जनाब, ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही है पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में हर तरफ ठंडा ठंडा है। इस ठंडे ठंडे में मजेदार सा गरम गरम सा मीठा मिल जाए जो कि सर्दियों की सौगात हो तो क्या ही बात है, और बन जाए बिल्कुल आसानी से। चले फिर जल्दी से इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और आज हम बनाने वाले हैं यहाँ अंडों का हलवा, और बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट है, मुश्किल से 3 से 4 इंग्रेडिएंट में मजेदार सा टेस्टी सा हलवा तैयार होगा। तो चले फिर जल्दी जल्दी से रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 4 अंडे, तो मैं 4 अंडों का हलवा बनाऊंगी। चले फिर अंडों को ले लेते हैं इस बाउल में। अंडों में 1 प्याली फ्रेश मिल्क ऐड हो जाएगा, इसको ऐड कर देते हैं। फ्रेश मिल्क के बाद यहाँ पे मैंने 1/4 चम्मच ले ली है रेगुलर शुगर, जो कि दाने वाली चीनी है, सिंपल ये ऐड हो गई। अब इन तीनों चीज़ों को मैं यहाँ विस्प की हेल्प से अच्छी तरीके से विस्प कर लूँगी। इतनी देर वेट किया है कि इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस सिंपल इसको हमें वेट करते रहना है। इस तरीके से सब चीज़ यकजा हो गई है। अब यहाँ पे काम शुरू होगा फ्लेम का। फ्लेम पे रख दिया, पेन को मैंने फ्लेम पे रख दिया है, पेन गर्म हो चुका है। अभी यहाँ पे घी मैंने ले लिया, इसमें हलवे में जो अंडों का जो हलवा होता है ना, इसमें घी बहुत ज़्यादा मिकदार में ऐड होती है, तो तकरीबन यहाँ पे मैंने जो 5 खाने का चम्मच घी जो है वो मैं ले रही हूँ, और कम पड़ेगी बाकी मैं बाद में और ऐड करूँगी। लगा तो मैं इसमें बीच बीच में और ऐड करती रहूँगी। यहाँ पे जो है इसको घी को गर्म कर लेते हैं। एकदम गर्म हो चुकी है, यहाँ पे 1 चाय के चम्मच के करीब मैंने इसमें ऐड कर दिया है इलायची पाउडर, और यहाँ पे जो बैटर जो हमने बना के रखा हुआ था अंडों दूध और चीनी का, वो अब इसमें ऐड करती जाऊंगी। फ्लेम को सब मैंने स्लो पे रखा हुआ है, जल्दी इसको ऐड कर देते हैं। ऐड हो गया। अब यहाँ पे स्पैचुला लेने, विस्क लेने, जो भी आपके पास है उसकी हेल्प से इस तरीके से इसको राउंड करती जाऊंगी, और मेरा हलवा जो है यहाँ पे होगा अच्छी तरीके से कुक। बस पेशेंटली इसको कुक करना है, और फ्लेम को जो है इस पर जो है मैं मीडियम स्लो टू मीडियम पे कर दूंगी। यहाँ पे देखें एक अच्छा सा परफेक्टली पुटिंग का शक्ल जो है ये ले चुका है। इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 1/4 टीस्पून और येलो फूड कलर, इससे बड़ा ही खूबसूरत सा ना इसमें ये कलर आ जाएगा हलवे में। अगर आपके पास है ऐड करने है, नहीं है तो ना ऐड करें, इससे फ्लेवर का कोई ताल्लुक नहीं है, इससे सिर्फ इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। और इसको जो है अभी और कुक करते हैं। देखें हलवा परफेक्टली जो है रेडी हो चुका है। किस तरीके से दाने दाने अंडों के हलवे के देखें अलग अलग हो गया है। घी जो है इतना इनफ था, मतलब कि 5 खाने का चम्मच जो घी वो इनफ था, और ऐड करने की जरूरत नहीं है। देखें घी अलग हो गया, पेन में कहीं से भी हलवा देखें नहीं लगा है, और बिल्कुल दाने वाला अलग अलग हो गया है। तो चलें फिर इसको जो है डिश में निकालते हैं। मज़ेदार सा गरम गरम अंडों का हलवा तैयार हो चुका है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल मसारा किचन और मसारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।